हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंप्यूटर के बारे में। NWDA की जो भी तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो बात करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस की। ठीक है, इससे पहले मैंने 180 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप जाके देख सकते हो NWDA LDC कंप्यूटर, NWDA LDC कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो और बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हो। ठीक है, वीडियो शुरू से देखना उनमें, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूरी है, तभी आप आगे के क्वेश्चन को देख पाओगे, क्योंकि आगे मैंने कम एक्सप्लेन किया है इधर आके, जो लास्ट के क्वेश्चन है उनमें और जो पहले क्वेश्चन कराए हैं उनमें, ठीक है, पूरा कर दिया है, तो बार बार मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो वीडियो। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। 181 नियमों का एक सेट है। देखो, क्वेश्चन नंबर 181 क्या कह रहा है, नियमों का एक सेट है। नियमों का सेट एक क्या है, डोमेन है, URL है, या रिसोर्स लोकेटर, या प्रोटोकॉल। तो इसका तो सबको पता होगा आंसर क्या है, प्रोटोकॉल। और ये जान लो डोमेन क्या होती है। जैसे डोमेन क्या होती है, जैसे मान लो मैंने एक अपनी वेबसाइट खोली, ठीक है, उसका एक नाम लिया, तो बाद में जो लगा होता है, जैसे आपने देखा होगा, हाँ देखो आपने देखा होगा सरकारी रिजल्ट, बाद में लिखा होता है .com, क्या लिखा होता है .com, तो यही क्या होता है आपका, यही होता है डोमेन नेम, क्या होता है डोमेन नेम। तो सरकारी रिजल्ट .com, तो कहीं कहीं लिखा होता होगा, जैसे किसी की साइट होती है तो .ac लिखा होता है, .ac.in, upboard.ac.in, तो इस तरह से ये डोमेन नेम होते हैं। ठीक है, .org, तो इस तरह से ये डोमेन नेम होते हैं, डोमेन नेम हो गया। URL तो जानते होंगे, जब भी आप कोई पेस्ट करते हो कहीं भी, तो वहाँ पे URL लिखा होता है। ठीक है, एक तरह से एड्रेस बोल सकते हो। तो आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर पता चलेगा, नियमों का एक सेट क्या है, बहुत प्रोटोकॉल है। देखो क्वेश्चन नंबर 182 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, सुनो। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक संभावित कोड में द्विविधीय कड़ियाँ हैं। तो इसका आंसर बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, किसमें, मैश में। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है, जिसमें प्रत्येक संभावित कोड में द्विविधीय कड़ियाँ होती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मैश हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसका लघु रूप है। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, किसका लघु रूप है, मिस्टेक है इसमें, तो ध्यान से देखो मैं अभी बताता हूँ, किसका लघु रूप है, ये कह रहा है किसका लघु रूप है। तो इसने दिया तो है नहीं, क्या किसका लघु रूप है, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल, ये देखो फुल फॉर्म पूछी है। अब किसकी पूछी है वो मैं बता रहा हूँ, ये पूछी है इसने लैन की, LAN, लैन किसका लघु रूप है। ठीक है, तो लार्ज एरिया नेटवर्क इसका नहीं है, ठीक है, लोकल एरिया नोड्स इसका भी नहीं है, लार्ज एरिया नोड्स इसका भी नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क ये इसका लघु रूप है, मतलब ये इसकी फुल फॉर्म, लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, अब ये दो चार फुल फॉर्म है इससे रिलेटेड, तो चलो वो देख लो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लो। ठीक है, देखो आपका लैन हो गया पहला क्या होगा आपका, लैन हो गया, ठीक है, पहला हो गया आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका लैन हो गया। एक होता है वैन, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और एक होता है मैन, MAN, ये होता है मेट्रोपॉलिटन
एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये वाला नेटवर्क, नेटवर्क ओके। एक होता है पेन, ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। लैन क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ठीक है किसी में यूज किया जाता है, जैसे अपना इंस्टीट्यूट हो गया उसमें यूज किया जा रहा है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क एक प्रॉपर जगह पर। वैन, ये हो गया मैन, तो देखो मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि सिटी में यूज किया जाता है, ठीक है, ये हो गया मैन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक सिटी से मतलब ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फील्ड में यूज किया जाता है, उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। और पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये खुले होते हैं, ठीक है, ये होता है, ये कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये आपका पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। चारों की फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, टिपिकल नेटवर्क, नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा, इसका आंसर होगा यही, ठीक है, नेटवर्क सर्वर, ओके। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट मतलब दूसरा करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं, URL तो कहते नहीं है, ये अभी बताया एंकर, ये भी नहीं, तो इसका क्या होगा, हाइपरलिंक, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्या कहलाएगा, हाइपरलिंक। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है वो क्या होगा, होगा आपका हाइपरलिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, विषय वस्तु के बारे में पता है कि नहीं, जब ईमेल भेजते हो तो क्या सब्जेक्ट आता है वहाँ पे लिखा, सब्जेक्ट, जिसमें हम किसके बारे में बोलते हैं, जो आप भेज रहे हो, ठीक है, विषय वस्तु, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की और की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पैम, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम, ओके। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी तो वो हो जाएगी आपकी बीजेपी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ओके। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने नेटवर्क पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, किसने कराई है, सिक्किम ने। HTML का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछी गई है HTML की, सबको पता हो गया आई थिंक, तो देखो इसका क्या है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टीच क्या होता है, ठीक है, ये नहीं होंगे, ठीक है, मेल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, इसका आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए, ऑप्शन सी द राइट आंसर, गेटवे, ओके। HTTP का उपयोग करती है, HTTP का उपयोग करती है, बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा वेब पेज, ठीक है, HTTP का उपयोग कौन करता है, वेब पेज, जो वेब पेज होते हैं, ठीक है, वो करते हैं HTTP का, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा HTTP, ठीक है, WWW
इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। WW की फुल फॉर्म बताइए, www। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। 195 का बी हो जाएगा आपका आंसर, होम पेज, ठीक है। जब भी किसी वेबसाइट को खोलते तो कौन सा पेज खुलता है? होम पेज खुलता है ना। आगे देखो, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, क्या मदद करता है बताइए, ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा, क्या मदद करता है? देखो, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने पर क्या मदद करता है? ब्राउजर। ओके, आगे चलते हैं। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? देखो, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है, ये क्या है? ये पीछे लगी होती है, जैसे कोई वेबसाइट होती है उसके पीछे लगी होती है ORG, वही है, ठीक है। जैसे .com लगी होती है, .ac, .in लगी होती है, उसी तरह ये ORG भी लगी होती है। तो पूछ रहा है कि ORG का संबंध किस क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से, तो ORG संगठन हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। .com, तो देखो कॉम, ये .com आ गया, तो .com इसका आंसर क्या होगा? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा आपका व्यवसाय से, व्यवसाय से, ठीक है, .com। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, व्यापारिक संस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो 199 का आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 195, ठीक है, 1995। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? वेबसाइट का एड्रेस, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है? यूजर आईडी कहलाता है, या यूजर एड्रेस, या URL, तो क्या कहलाता है? URL, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम है, पहले मैं बता चुका हूँ, मॉडेम, तो इसका नाम है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, तो ऑप्शन मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, 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 ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंग्लिश मेल क्या चीज़ होती है, और इलेक्ट्रिक मेल, ठीक है, ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट क्या है भाई? इंटरनेट का पूरा नाम, इंटरनेट, इंटरनेट का पूरा नाम, तो इंटरनेट का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? जो सूचना का राजपथ होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं बताइए, इसका आंसर क्या होगा आपका? सूचना राजपथ, थोड़ा घूम गया, ठीक है। अब देखो इसका आंसर, देखो, इंटरनेट को, या ईमेल को, या फिर फ़ोन को, या फिर आपका कौन सा हो जाएगा, पेजर, पेजर क्या होता है, तो इसमें होना चाहिए ईमेल, ठीक है, क्या होना चाहिए, ईमेल। जो सूचना राजपथ है, जब हम किसी को सूचना देते हैं वो किससे देते हैं? इंटरनेट से, हाँ, इंटरनेट से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट से, ईमेल नहीं, क्या हो जाएगा, सूचना, इंटरनेट के द्वारा ही तो देते हैं, तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को, ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंटरनेट को, ठीक है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, अगला क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जो जन्मदाता है वो कौन माना जाता है बताइए, इसका आंसर।
देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका रे टॉम लिंसन, ठीक है, ऑप्शन ए। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, चार्ल्स बेबेज, सबसे पहला कंप्यूटर, ठीक है। बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो बिल गेट्स की है, और जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, या कंप्यूटर के जनक बोले जाते हैं चार्ल्स बेबेज। डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, टिम बर्नर्स ली, ये भी चार्ल्स बेबेज आ गया इसमें भी, ठीक है। अब आगे देखो, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या है, TCP/IP, ठीक है, आईपी एड्रेस जो होता है। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है तो वो क्या है, संप्रेषक, ठीक है, संप्रेषक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाए जाते हैं, कौन सा बटन दबाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका रिफ्रेश, ठीक है। जब भी आप लोड करते हो किसी पेज को दोबारा से, तो रिफ्रेश दबा दोगे तो वो दोबारा से लोड हो जाएगा, ठीक है। ईमेल लिखना किसके समान है, ईमेल लिखना क्या है, एक पत्र के समान है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ तक मैंने करा दिए हैं, और बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो भी करा दूंगा, और NWDA की क्लासेस चल रही हैं, मैंने अभी रीजनिंग स्टार्ट, वो आपका GK का पोर्शन स्टार्ट किया है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। GK में फिजिक्स से स्टार्ट किया है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सब मैंने लिए हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का हो तो आप जाके देखिए। मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, मात्रक ख़त्म हो गया, अब अगला देखेंगे कल, ठीक है, GK में। और कंप्यूटर की आपकी चली रही है, और साथ ही साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, और हाँ, और अगर आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, ठीक है, यदि आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो खान सर की एक बुक है जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट दिया है, ठीक है, साइंस का न्यूमेरिकल पार्ट, तो उसमें मैंने फिजिक्स स्टार्ट कर दिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट डाल दिए, ठीक है, तीन पार्ट डाल दिए, और मैकेनिक्स चल रही है उसमें, मैकेनिक्स के पार्ट चल रहे हैं, ठीक है, क्रम वाइज न्यूमेरिकल बेसिक से, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं विद एक्सप्लेन, ठीक है, साथ साथ थ्योरी भी एक्सप्लेन कराई जा रही है, तो आप जाके चेक कर सकते हो उसकी। अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट ग्रुप डी के नाम से नहीं है, वो BPSC LDC साइंस SCIENCE BPSC LDC साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, और उसमें अब वीडियो डालना स्टार्ट हुई है, ये पहले से थोड़ी बहुत वीडियो है, दो चार नीचे मिलेंगी आपको ये क्रम वाइज, ठीक है, तो वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। कोई भी प्लेलिस्ट, कोई भी अगर सब्जेक्ट देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जाके चेक करना, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।